हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष किशोरदास अग्रवाल है। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र में एज ए पीडियाट्रिशियन प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नया वीडियो ओरल अल्सर इन चिल्ड्रन, इसको आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपके बच्चे को एक्यूट ओरल अल्सर है तो। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को रिपीटेडली ओरल अल्सर का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, जिससे आपको ट्रीटमेंट में डेफिनेटली फायदा होगा। ओरल अल्सर इज ए कॉमन प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। जनरली ये आपके माउथ में, लिप पे, टंग पे या गम्स पे आ सकता है। कभी कभी ये बहुत पेनफुल भी होता है। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ओरल अल्सर नॉन कंटेंजियस, मतलब ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। अगर आप इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो जनरली ओरल अल्सर 15 डेज में अच्छा हो जाता है। व्हाट आर द सिम्टम्स? पेनफुल ओरल अल्सर, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया। अगर आपके बच्चे के मुंह में मल्टीपल ओरल अल्सर्स है या बहुत पेनफुल ओरल अल्सर है तो आपके बच्चे को खाने में डिफिकल्टी जा सके, पर्टिकुलरली हॉट और स्पाइसी फूड। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ रिपीटेड ओरल अल्सर? अगर आपके बच्चे को एक्यूट ओरल अल्सर है तो जनरली डॉक्टर के पास जाके आप ट्रीटमेंट ले ले लीजिए, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके बच्चे को रिपीटेडली ओरल अल्सर का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आप जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो प्रॉब्लम टेम्पररी सॉल्व होता है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको कॉजेस को समझना है और इसको आपको फॉलो करना है, जिससे आपके बच्चे को रिपीटेड ओरल अल्सर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक होता है रिपीटेड इन्फेक्शन। जब भी किसी बच्चे को एक्यूट फिब्राइल इलनेस होता है, जिसमें बुखार के साथ और भी सिम्टम्स और ओरल असर होता है, इस वक्त एज ए पैरेंट आपका एक ही रोल होता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। एक्यूट फिब्राइल इलनेस के साथ साथ ओरल असर का भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। माइनर इंजरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रिपीटेड ओरल असर। पर्टिकुलरली आप अगर आपका बच्चा रफ खाना खाता है, जैसे पाइनएपल हो गया, गर्म खाता है या बहुत मसालेदार खाता है, हार्ड फूड जैसे अखरोट हो गया, तो इसकी वजह से बच्चे को इंजरी हो सकती है माउथ में या टंग पे, और इससे रिपीटेडली ओरल अल्सर हो सकता है। कुछ कुछ बच्चे खाते खाते अपने टंग को बाइट या लिप को बाइट कर देते हैं, इससे भी बच्चों को रिपीटेडली ओरल अल्सर होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपका बच्चा टूथब्रश जो है उसके ब्रिसल्स अगर हार्ड है तो इससे भी रिपीटेडली ओरल अल्सर होने का चांसेस होते हैं। अगर आपके बच्चे को डेंटल ब्रशेस, मतलब कुछ पिन लगाते हैं जिससे आप बच्चों के दांत नीचे ला सके, इससे भी बच्चों को रिपीटेडली ओरल असर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये सब चीजों से आपके बच्चे के टंग या लिप पे इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। फूड एलर्जीज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा खट्टा खाना खाता है तो उससे भी रिपीटेडली ओरल असर होने के चांसेस होते हैं। पैक आइटम्स जैसे कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, इससे डेफिनेटली रिपीटेडली ओरल असर होने के चांसेस होते हैं। अगर बच्चा बहुत ज्यादा गर्म गर्म टी या कॉफी लेता है तो इससे माइनर इंजरीज और रिपीटेडली ओरल असर होने के काफी चांसेस होते हैं। अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है रिपीटेडली ओरल असर का, तो ये सब चीजें आपने अवॉइड करना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, पर्टिकुलरली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी ओरल असर होने के चांसेस होते हैं। एज ए पेरेंट आपका रोल है कि आपके बच्चे का जो फूड है वो बैलेंस होना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डेफिनेटली इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपके बच्चे को रिपीटेडली ओरल असर का प्रॉब्लम है तो आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन एज ए डॉक्टर आपको जो प्रिस्क्राइब करता है उसे आपको कंप्लीट करना चाहिए। और ओरल हाइजीन डेफिनेटली, अगर आपका बच्चे का ओरल हाइजीन है तो वहां पे इन्फेक्शन और रिपीटेडली ओरल असर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। उसके सिम्टम्स क्या है? अगर आपके बच्चे से मुंह से स्मेल आती है या बच्चे के मुंह में प्लाक्स होते हैं, पर्टिकुलर टीथ का व्हाइट ऐसा गंदगी दिखती है, तो आपके बच्चे का ओरल हाइजीन डेफिनेटली पुअर है। एज ए पेरेंट आपका रोल है कि आप उसके ओरल हाइजीन को इम्प्रूव कीजिए। इसलिए आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और खाना खाने के बाद आपको एवरी टाइम आफ्टर फूड आपके बच्चों को गार्गल करने लगाइए, जिससे उसके फूड पार्टिकल जो मुंह में चिपके हैं वो निकल जाए। एब्डोमिनल कॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रिपीटेड ओरल अल्सर। अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, मतलब अगर आपका बच्चा डेली स्टूल पास नहीं करता है या डेली पास करता है तो वो बहुत हार्ड होता है, तो उसको डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे को रिपीटेडली लूज मोशन होते हैं, आपके बच्चे में पेट में वर्म्स है या कीड़ी है, तो इससे भी डेफिनेटली रिपीटेडली ओरल अल्सर होने के चांसेस है। इसलिए आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जो बेसिक प्रॉब्लम है जैसे कॉन्स्टिपेशन, रिपीटेड लूज मोशन, इसको आपको ट्रीट करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रिपीटेड ओरल अल्सर, पर्टिकुलरली बड़े बच्चों में और टीनेजर्स में हम ये काफी ज्यादा देखते हैं। स्ट्रेस के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन पेरेंट्स और दूसरे फैमिली मेंबर्स के बीच में डिफरेंस है, घर का माहौल शांत नहीं है, अगर पुअर डिसिप्लिन टेक्निक है, बच्चा खेल नहीं पा रहा, बाहर सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, इसका न्यूक्लियर फैमिली या बच्चे को फ्रेंड्स जो है उसको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, इससे बच्चों में स्ट्रेस होने के कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है, यहाँ पे डिस्कस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
तो एज ए पेरेंट आपका रोल क्या है कि आपके बच्चे का स्ट्रेस कम करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप मेरे कुछ बुक्स है जिससे आपको डेफिनेटली पेरेंटिंग कैसा करना चाहिए पॉजिटिवली, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। 0-6 ईयर्स के लिए हसत खेलत बाल विकास, और अबो 6 ईयर्स के लिए बाल संस्कार आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए जिससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा मैंने अलग अलग पेरेंटिंग विषय पे वीडियोस अपलोड किया हूँ यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे, जहाँ पे अभी देख रहे हैं इसके सभी वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं अलग अलग ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, अगर आप चाहे तो जो सामने आपको वेबसाइट दिख रही है उसके ऊपर जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जब मैं नए ब्लॉग्स लिखूंगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं और पुराने ब्लॉग्स भी आप पढ़ सकते हैं, और इससे आपको पेरेंटिंग में फायदा भी मिलेगा और आपके बच्चे का स्ट्रेस भी डेफिनेटली कम होगा। अगर आपके बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी बच्चों को रिपीटेडली ओरल असर देखे जाते हैं, पर्टिकुलर क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में हम काफी बच्चे देखते हैं जिनको रिपीटेडली ओरल असर होते हैं, क्योंकि बच्चे सोते नहीं है पढ़ाई की वजह से। अगर आपका बच्चा पढ़ते पढ़ते आंखों को रब कर रहा है या टीवी देखते देखते नींद की झपकी मार रहा है तो डेफिनेटली आपके बच्चे की नींद कम है। रोल ऑफ पेरेंट ये है, आपके बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ आपको बच्चे की नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम हमारे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं तो हमारे बॉडी को भी डेफिनेटली रिचार्ज चाहिए, और आपको बच्चों को कन्विंस करना है कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। बिजी चाइल्ड सिंड्रोम इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम, पर्टिकुलर छोटे बच्चों में हम काफी देखते हैं। बच्चे यूजली 6:30 को उठते हैं, 7:30 को स्कूल निकल जाते हैं, अराउंड 2:30 से स्कूल वापस आते हैं, 4 o'clock ट्यूशन जाते हैं, 7 o'clock ट्यूशन से आते हैं, आधी घंटा थोड़ा सा मोबाइल पे खेल लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, फिर 8 से 9 होमवर्क कंप्लीट करते, डिनर करते, थोड़ा मोबाइल और टीवी देख के सो जाते हैं। इस पूरे डेली शेड्यूल में आप देखते हैं कि बच्चे को पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी करने के लिए टाइम ही नहीं है और खेलने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसे हम कहते हैं बिजी चाइल्ड सिंड्रोम। इसके वजह से अलग अलग साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम जैसे रिपीटेडली ओरल अल्सर, रिपीटेडली एब्डोमिनल पेन, हेडेक, माइग्रेन, एसिडिटी, ये हम काफी केसेस बढ़ते देख रहे हैं। एज ए पेरेंट आपका रोल है, एजुकेशन तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज ए पेरेंट आपको एजुकेशन के साथ साथ लीजर एक्टिविटीज और खेलना, ये तीनों को बैलेंस करना है, और ऑफकोर्स नींद को भी बैलेंस करना है। अगर ये बैलेंस कर पाए एज ए पेरेंट तो आपका बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी रहेगी और उसको पढ़ाई में भी डेफिनेटली काफी फायदा होगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ ओरल सर क्या है? अगर आपके बच्चे को एक्यूट ओरल असर है या रिपीटेडली ओरल असर है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। जो भी लोकल एप्लीकेशन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो आपको उसको यूज करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको पेनफुल ओरल असर है तो आपको लूक वार्म बटर थोड़ा गुनगुने पानी से आपको गार्गल करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप पेन किलर भी अपने डॉक्टर से लिखा कर ले सकते हैं। ओरल असर की ट्रीटमेंट चलते चलते अगर आपके बच्चे को फीवर आता है या हाई ग्रेड फीवर है, रिपीट फीवर, फीब्रियल इलनेस में ओरल असर है और फीवर कम नहीं होता है, अगर बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है, अगर कुछ डिहाइड्रेशन के साइंस है जैसे बच्चा सुस्त हो रहा है, यूरिन पेशाब कम कर रहा है, खाना भी कम हो रहा है, एक्टिविटी भी कम हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट इमीडिएटली करना चाहिए। तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा मेरे कुछ बुक्स पब्लिश है मार्केट में, बिलो 6 ईयर हसत खेलत बाल विकास और अबो 6 ईयर बाल संस्कार। मैं बहुत सारे वीडियोज बच्चों की बीमारी, बच्चों के पेरेंटिंग पे मैं काफी बनाता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो ये अलग अलग वेबसाइट और सोशल मीडिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप कोई भी मीडिया को ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको डेफिनेटली पेरेंटिंग में और अलग अलग बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा मैं बच्चों का पीडियाट्रिशियन तो हूँ, लेकिन मैं काउंसलिंग सेंटर भी चलाता हूँ जहाँ पे बच्चों की एजुकेशन, बिहेवियर और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम पे हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, जिससे आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, जो सामने मोबाइल नंबर दिया वहाँ पे आप कॉल कीजिए। ये वीडियो देखने से आपको डेफिनेटली फायदा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।